हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप। अजय देवगन की शैतान मूवी के ब्लॉकबस्टर के बाद इस साल की दूसरी मूवी मैदान, जो एक बायोग्राफी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, जो इंडियन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के ऊपर बायोपिक मूवी है, जिसके डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ प्रिया मणि और गजराज राव है। के बारे में रूमर्स है कि इस फिल्म की शूटिंग रियल टाइम मैच खेलते हुए हुई और मैच के लिए जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और थाईलैंड से फुटबॉल प्लेयर को बुलाया गया था। यह मूवी ईद के दिन 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट 150 से 250 करोड़ बताया जा रहा है और मूवी ने 13 दिन में टोटल 51 करोड़ का कलेक्शन किया है। वैसे ये मूवी टोटल 8 बार पोस्टपोन हुई। एक बार और पोस्टपोन हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पर इसका सिक्का जम सकता था। खैर, मूवी की स्टोरी की बात करते हैं तो यह मूवी में 1952 से 1962 की कहानी है। इंडियन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम, जिसका रोल अजय देवगन कर रहे हैं, उनका सपना यह था कि वह इंडिया को फुटबॉल में जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो इसी के लिए वह अलग अलग जगह से प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने तरीकों से ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 22 नवंबर 1956 ओलंपिक्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, जिसमें इंडिया जीत जाती है। उसके बाद 1960 ओलंपिक्स में इंडिया का मैच फ्रांस के साथ होता है और इस बार इंडिया हार जाती है। गजराज राव, जो प्रेस या न्यूज़पेपर के ओनर हैं, वो 1956 ओलंपिक से पहले एक पार्टी होती है, उसी में दोनों की इनडायरेक्टली बहस हो जाती है, जिसके वजह से फुटबॉल के एक बोर्ड मेंबर शुभांकर को उनके खिलाफ यूज करता है। तो 1960 ओलंपिक्स हारने के बाद वही बोर्ड मेंबर हाथों हाथ वोटिंग कराता है और अजय देवगन को इंडियन फुटबॉल कोच से निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद अजय देवगन को पता चलता है कि ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से उन्हें लंग्स कैंसर हो गया है। तो यह बात वह अपने घर में बताते हैं। फिर इसके बाद वह अपनी जिंदगी एक कमरे में बिताने लगते हैं। दिन बीते जाता है, ऐसा देख के उनकी बीवी, जिसका रोल प्रिया मणि कर रही है, कहती है कि ऐसी जिंदगी काटने से अच्छा है कि आप जिसका सपना हमेशा देखा करते थे आप वही करो। उसके बाद अजय देवगन इंडियन फुटबॉल कोच बनने के लिए फुटबॉल प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसके बाद वो पुराने फुटबॉल प्रेसिडेंट पीके बनर्जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं। उसके बाद अगले दिन अजय देवगन और पीके बनर्जी जाते हैं और बोर्ड मेंबर्स को अपनी बात समझाते हैं। फिर हैंड टू हैंड वोटिंग होती है और आखिर में अजय देवगन इंडियन फुटबॉल कोच बन जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होता है और 1962 ओलंपिक्स में इंडिया का मैच साउथ कोरिया के साथ होता है। फिर इंडिया एक अक करके जीत कर गोल्ड अपने नाम कर लेता है। फिर में अजय देवगन मैच से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जो दिल छू जाता है। तो ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।